स्वागत है आपका ऑनलाइन नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां आपको नर्सिंग रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स के नोट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जो आपकी मेन एग्जाम्स एंड जो भी आपकी एम्स आरआरबी जिस सारी एग्जाम्स के लिए जो भी इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है उन सब में हेल्प करती है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में दबा लें बेल आइकन को, जिससे कि हमारी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स, अपन डिस्कस कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का आज तीसरा दिन है जिसमें अपन डिस्कस करेंगे टंग के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट, बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, टंग होती क्या है। द टंग इज द वॉलंटरी मस्कुलर ऑर्गन। टंग क्या है? एक वॉलंटरी यानी कि इच्छा अनुसार काम करने वाला वॉलंटरी मस्कुलर ऑर्गन, ये एक वॉलंटरी मस्कुलर ऑर्गन होता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल्स। ये वॉलंटरी क्यों होता है? क्योंकि ये स्केलेटल मसल्स के द्वारा बना हुआ होता है। तो टंग इज अ वॉलंटरी मस्कुलर ऑर्गन एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल्स। इट इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ माउथ। ये हमारी जो फ्लोर यानी माउथ जो होता है उसकी फ्लोर यानी कि जो निचला जो मतलब उसकी सरफेस होती है यानी कि फ्लोर होती है उससे अटैच होता है। और हायर्ड बोन बाई फ्लैनुलम, और हायर्ड बोन जो अपने हायर्ड बोन होती है उसके द्वारा अटैच होता है। वो डायरेक्टली हायर्ड बोन से अटैच नहीं होता है, उस जो अटैच होने के एक पार्ट होता है उसको अपन कहते हैं फ्रेनुलम। इट इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ माउथ और हायर्ड बोन बाय द फ्रेनुलम। द सुपीरियर सरफेस ऑफ टंग मीन्स सुपीरियर यानी कि ऊपरली जो इसकी सरफेस होती है टंग की, यानी कि सुपीरियर सरफेस ऑफ द टंग इज कंसिस्ट ऑफ बनी हुई होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की। यानी कि टंग की दो सरफेस होते हैं, एक तो इन्फीरियर यानी कि नीचे वाली एंड सुपीरियर यानी कि ऊपर वाली। जो टंग की जो ऊपर वाली जो सरफेस होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है। बात करते हैं पार्ट्स के बारे में। अभी तक अपन ने बात की थी इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें बात की थी कि ये वॉलंटरी मस्कुलर ऑर्गन होता है, दूसरा स्केलेटल मसल्स का बना हुआ होता है, तीसरी बात की थी कि जो इसकी निचली सतह होती है यानी कि ये अटैच की जो फ्लोर, ये फ्लोर ऑफ माउथ के द्वारा अटैच होता है, और सुपीरियर जो सरफेस इसकी होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है। बात करते हैं पार्ट्स ऑफ टंग, जो टंग के पार्ट्स के बारे में। तो इसके मेनली फाइव पार्ट्स होते हैं। पहला ए रूट, इसकी जो मतलब रूट होती है जहाँ से ये मतलब कह सकते हैं अपन स्टार्ट होती है। दूसरी होती है इसकी बॉडी, बॉडी जो होता है होती है वो रूट और टिप यानी थर्ड जो पार्ट टिप और रूट दोनों के बीच के पार्ट्स को अपन बॉडी कह सकते हैं। अ डॉर्सल सरफेस, अ वेंट्रल सरफेस, ये मतलब ऊपर नीचे की सरफेस होती है। बात करते हैं पैपिलाई। अब टंग के बारे में बात करते हैं तो हमें इसमें एक चीज़ का अध्ययन बहुत ज़रूरी होता है कि पैपिलाई जो है वो पाई जाती है हमारी टंग के ऊपर। तो पैपिलाई पाई जाती है, पैपिलाई यानी कि हमारी टंग की जो ऊपरी सरफेस होती है उस पर ना कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको अपन पैपिलाई कहते हैं। जो सुपीरियर सरफेस ऑफ द टंग हैज़ न्यूमेरियस पैपिलाई, जो अपनी टंग की सुपीरियर सरफेस होती है उस पर बहुत सारी पैपिलाई पाई जाती हैं, जिनमें अपन पहले बात कर सकते हैं दीज आर, ये जो है पहला वेलेट पैपिलाई, दूसरी फंगी फॉर्म पैपिलाई, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है, फंगी फॉर्म प्लॉप पैपिलाई होती है ये, फंगी फॉर्म पैपिलाई। दूसरी तीसरी होती है फ्ली फॉर्म पैपिलाई।
वेलेट पेपिलाई, द वेलेट पेपिलाई अरेंज्ड इन वी शेप, जो भी वी मतलब वेलेट पेपिलाई होती है वो वी शेप में अरेंज होती है एट द बेस ऑफ टंग, टंग का जो बेस यानी कि आधार जो सिरा होता है उस पे ये अवेलेबल होती है। द वेलेट पेपिलाई अरेंज इन टू द वी शेप एट द बेस ऑफ द टंग, द टोटल नंबर ऑफ आर 8 to 12, ये 8 to 12 है, ये भी थोड़ा मिसप्रिंट है। द टोटल नंबर आर 8 to 12, दे आर लार्जेस्ट पेपिलाई, ये लार्जेस्ट पेपिलाई हैं एंड ईजीली सीन ऑन टंग, और ईजीली इनको है ना टंग पे सीन किया जा सकता है, देखा जा सकता है। बात करते हैं फंगी फॉर्म पेपिलाई की, फंगी फॉर्म पेपिलाई जो होती हैं दे आर मशरूम लाइक पेपिलाई, जो फंगी फॉर्म पेपिलाई यानी कि दूसरे नंबर की पेपिलाई होती है इनका नाम फंगी रखा गया है। फंगी मीन्स ये एक तरह से मशरूम के जैसी होती हैं, यानी कि मशरूम जो होती है ना मशरूम के बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम मशरूम लाइक पेपिलाई होती हैं। दे आर सिचुएटेड मेनली एट द टिप एंड एज ऑफ द टंग, ये मेनली इसकी जो कि टंग की टिप और एज पे मेनली पाई जाती हैं फंगी फॉर्म पेपिलाई। थर्ड वन बात करते हैं फिली फॉर्म पेपिलाई, फिली फॉर्म पेपिलाई होती हैं ये धागे नुमा पेपिलाई होती हैं, यानी कि थ्रेड लाइक फिलीफॉर्म पेपिलाई आर थ्रेड लाइक पेपिलाई, ये थ्रेड लाइक पेपिलाई होती हैं। दे आर स्मॉलेस्ट पेपिलाई, ये वो सबसे छोटी होती है तीनों में, पहले वेलेट पेपिलाई, फंगी फॉर्म पेपिलाई एंड ये थर्ड वन जो फिलीफॉर्म पेपिलाई होती है ये उन दोनों से छोटी होती है। या और दे आर स्मॉलेस्ट पेपिलाई एंड सिचुएटेड और एंटीरियर टू बाई थर्ड ऑफ टंग, ये जो टंग यानी कि जीभ की जो एंटीरियर सरफेस होती है उसकी मतलब 2/3 यानी कि 2/3 पार्ट में ये अवेलेबल होती है। बात करते हैं टेस्ट बर्ड्स, हमारी टंग पे पेपिलाई के अलावा टेस्ट बर्ड भी अवेलेबल होती हैं, जिससे हमारे कोई किसी भी प्रकार का जो टेस्ट होता है, जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो उसका टेस्ट हमें हमारे माइंड तक पहुँचता है कि ये सॉर टेस्ट है, ये स्वीट है या फिर बेटर टेस्ट, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको टेस्ट के बारे में मतलब पता चलता है, वो बर्ड्स के द्वारा पता चलता है, टेस्ट बर्ड्स के द्वारा। द पेपिलाई कंटेंट्स, पेपिलाइज में पाई जाती हैं 3 types ऑफ द टेस्ट बर्ड्स, पेपिलाइज होती हैं उनमें 3 तरह की टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं। दीज आर, वो हैं स्वीट एंड साल्टी टेस्ट बर्ड्स, स्वीट यानी कि स्वीट और साल्टी यानी कि थोड़ी सी साल्टी टेस्ट बर्ड्स। दे आर सिचुएटेड मेनली ऑन द टिप ऑफ टंग, ये मतलब इनका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये क्या है स्वीट को रिकॉग्नाइज करता है, साल्टी को रिकॉग्नाइज करता है, तो ये स्वीट और साल्टी टेस्ट बर्ड्स होते हैं। सॉर टेस्ट बर्ड्स, दे आर सिचुएटेड एट द एज ऑफ द साइड ऑफ टंग, ये जो मतलब अपनी टंग होती है उसकी एज और साइड्स में ये अवेलेबल होती है और सॉर टेस्ट का ये पता लगाने में हेल्पफुल होती है। बिटर टेस्ट बर्ड्स, जो बिटर टेस्ट बर्ड्स होते हैं दे आर सिचुएटेड एट द बैक ऑफ टंग, टंग के जो लास्ट पार्ट होता है, सबसे वो लास्ट वाला पार्ट होता है वहाँ पर ये अवेलेबल होती है। बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ टंग, कि टंग के लिए कौन कौन सी आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती हैं और किन किन वेंस में ब्लड ड्रेन किया जाता है। बात करते हैं आर्टरियल ब्लड सप्लाई की, द लिंगुअल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी जो होती है वो टंग के लिए ब्लड सप्लाई मेनली प्रोवाइड करवाती है, जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच होती है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की जो लिंगुअल आर्टरी एक ब्रांच होती है वो हमारी टंग के लिए ब्लड सप्लाई करवाती है आर्टरियल, और वीनस ब्लड सप्लाई की अगर अपन बात करते हैं तो वीनस जो ब्लड है वो डायरेक्टली इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन कर दिया जाता है। बात करते हैं नर्व सप्लाई ऑफ टंग, टंग के लिए नर्व सप्लाई कैसे होती है, किन किन मतलब किस कितने टाइप की इसके लिए नर्व सप्लाई होती है, ये मेनली मतलब एग्जाम्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नर्व सप्लाई ऑफ टंग, टंग के लिए नर्व सप्लाई कौन कौन सी नर्व्स करती हैं और किन किन तरीके से होता है। द
टंग इज सप्लाइड बाय टू टाइप्स ऑफ नर्व, मेनली दो तरह की नर्व्स के द्वारा सप्लाई नर्व सप्लाई की जाती है। पहला होता है नर्व मोटर नर्व जिनको इफरेंट नर्व कहते हैं, एंड दूसरा होता है सेंसरी नर्व जिनको एफरेंट नर्व्स कहते हैं। जो मोटर नर्व्स होती हैं यानी कि जो हमारे टंग को हिलने में हेल्पफुल होती हैं, किसी भी बात को करवाने के लिए हेल्पफुल होती हैं, वो होती हैं मोटर नर्व्स। एज सेंसरी नर्व्स जो होते हैं वो सेंसेशन का काम करती हैं, जैसे अपन कुछ भी खाते हैं तो उसमें टेस्ट बड्स के द्वारा जो सेंसेशन होता है उसमें हेल्पफुल होती है हमें सेंसरी नर्व्स। जो मोटर नर्व्स होती है ऑल इंट्रेंसिक, जो सारे के सारे इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक मसल्स, जो टंग की जो इंट्रेंसिक यानी आंतरिक और बाह्य जो सारी मसल्स होती हैं वो आर सप्लाइड बाई हाइपोग्लोसल नर्व्स, यानी कि ऑल इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक मसल्स ऑफ टंग आर सप्लाइड बाई हाइपोग्लोसल नर्व, मेनली जो सारी इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक मसल्स होती हैं वो मेनली हाइपोग्लोसल नर्व यानी कि 12th क्रेनियल नर्व के द्वारा सप्लाई की जाती हैं। बट द पैलेटोग्लोसल मसल, लेकिन इनमें एक जो मसल होती है वो है पैलेटोग्लोसस मसल। पैलेटोग्लोसस मसल जो होती है उसको मतलब इज सप्लाइड बाई उसको सप्लाई किया जाता है बाई द क्रेनियल रूट ऑफ असेसरी नर्व, असेसरी नर्व के क्रेनियल रूट के द्वारा, यानी कि जो असेसरी नर्व्स होते हैं वो क्रेनियम को सप्लाई करती हैं उसकी जो द्वारा इसको यानी कि पैलेटोग्लोसस मसल्स को क्या मोटर नर्व सप्लाई की जाती है, जो कि 11th क्रेनियल नर्व की नर्व होती है। बात करते हैं सेंसरी नर्व सप्लाई। जो सेंसरी नर्व सप्लाई होती है द सेंसरी नर्व्स आर मेनली तीन टाइप की सेंसरी नर्व होती हैं। पहला लिंगुअल नर्व, लिंगुअल नर्व जो होती है इट इज़ नर्व ऑफ जनरल सेंसेशन। जो लिंगुअल नर्व होती है ये जनरल सेंसेशन में हेल्पफुल होती है यानी कि जनरल सेंसेशन। कॉर्डा टिम्पेनी नर्व, जो दूसरी टाइप की जो नर्व है वो है कॉर्डा टिम्पेनी नर्व। इट इज नर्व ऑफ टेस्ट फोर एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग, ये मतलब एंटीरियर टू थर्ड यानी कि टंग का एंटीरियर टू थर्ड पार्ट में ये टेस्ट के लिए हेल्पफुल होती है। दूसरी होती है ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व, जो ग्लॉसोफ्रेंजियल नर्व होती है इट इज नर्व फॉर बोथ, ये दोनों के लिए हेल्पफुल होती है। पहला जनरल सेंसेशन के लिए और टेस्ट सेंसेशन ऑफ पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग, यानी कि ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व जनरल सेंसेशन में भी हेल्पफुल होती है लेकिन इसके साथ साथ जो बच्चा कुचा वन थर्ड पार्ट होता है टंग का उसके लिए भी ये मतलब सेंसरी नर्व सप्लाई करवाती है। बात करते हैं फंक्शंस ऑफ टंग, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मतलब टॉपिक है इस टंग का। द टंग इज कंसर्न विद मैस्टिकेशन यानी कि च्यूइंग, टंग चेविंग में हेल्पफुल होते हैं यानी चौबाने में हेल्पफुल होता है। दूसरा टेस्ट में हेल्पफुल होता है यानी कि इससे टेस्ट का पता लगता है। थर्ड वन डिग्लूशन यानी कि स्वेलोविंग, अपन कुछ भी खाते हैं उसको स्वेलो करने में यानी कि उसको ये एक मूवमेंट होता है जिसके द्वारा खाना माउथ से इसोफेगस में पहुँच जाता है यानी कि स्वेलोइंग में हेल्पफुल होता है। थर्ड वन होता है ओरल क्लींसिंग यानी कि मुंह को क्लींसिंग करने में यानी कि अपने माउथ को क्लियर करने में भी हेल्पफुल होता है। एंड स्पीच सबसे इम्पोर्टेंट काम स्पीच यानी कि बोलने में भी ये मेनली हेल्पफुल होता है। थैंक यू।